गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 25th ऑफ मार्च। सबको पता ही चल गया होगा 25th, और कल है 26th ऑफ मार्च, आपके फेवरेट लक्ष्य सर का बर्थडे। तो उसी के लिए हमने सरप्राइज़ प्लान करा हुआ है। उसका तो पता नहीं है वो कितने बजे आएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी रहती है काफ़ी टाइम। काफ़ी लोगों ने मुझे ब्लॉग्स में भी कहा आपने होली में भी सर को नहीं लिया, क्योंकि सर उस दिन ड्यूटी पे थे और वो कुछ देर के लिए घर पर आया था। और जब भी आया था तो उसकी फ़ोटो क्लिक की हमने, थोड़ी देर उसके साथ होली खेली और फिर वो ड्यूटी पे चला गया था। तो उम्मीद करते हैं आज वो टाइम से घर आ जाए और उसके साथ हम बर्थडे उसका सेलिब्रेट कर सके। हमने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। सबसे पहले तो उसका केक है, तो ऑर्डर कर दिया हमने उसका केक, अब मैं उसे लेने जा रही हूँ। मैं हो गई रेडी, बाहर निकल गई हूँ, बस कार निकालूँगी और फिर चलूँगी। तो मैंने निकाल ली है कार, और अभी दिन में ट्रैफिक भी बहुत कम है रास्ते में, मतलब मुझे ट्रैफिक बहुत कम मिला है। ये तो बहुत ट्रैफिक होता है वेस्ट दिल्ली तक जाने में, और मैं जा रही हूँ वेस्ट दिल्ली क्योंकि मैंने ऑर्डर केक का वहीं दिया हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा, कुछ भी हो घर पे, किसी का भी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी है, कुछ भी होती है, तो मैं हमेशा केक का ऑर्डर उसी शॉप पर देती हूँ, मेरी फेवरेट शॉप है वो। और शादी से पहले भी वहीं देती थी, शादी के बाद भी वहीं देती हूँ, और सबको केक पसंद भी आता है। तो इसलिए मैं यहाँ से वेस्ट दिल्ली जा रही हूँ। केक का ऑर्डर तो मैंने पहले ही दे दिया था, अब उसे लेने, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत कम है, और ट्रैफिक कम है तो मतलब जल्दी पहुँच जाऊँगी और फटाफट केक लेकर आते हैं घर पर, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। जाम वाला एरिया पूरा लौलक खोन का, यहाँ हमेशा ट्रैफिक होता है, हमेशा ऑलवेज, पर आज तब भी मूविंग ट्रैफिक है, वो लग नहीं रहा है ज़्यादा जाम। मैं पहुँच गई हूँ, काफ़ी लेट हो गया। एक दो काम मुझे और हैं, वो मैंने काम निपटा लिए हैं, अब हम केक लेंगे और घर की तरफ चलेंगे। आपको भी दिखाती हूँ मेरी फेवरेट शॉप कहाँ पर है। मैं पहुँच गई हूँ केक शॉप पर, बस अब एक केक पिकअप करते हैं और फिर मैं चलती हूँ घर। ये मेरी केक शॉप, और मैं एंटर कर रही हूँ इसमें। केक में टाइम लग रहा है शायद से बहुत ज़्यादा, मुझे 10 मिनट हो गए वेट करते करते ना। केक बस रेडी हो रहा है, कैंडल्स मैंने ले लिए है, सब चीज़ें पैक हो और हम कर रहे हैं। केक हो गया रेडी, बस लास्ट फिनिशिंग डन कर रहे हैं वो लोग, और आपको केक की पिक मैं नहीं दिखाऊंगी, वो आपको शाम को दिखाई देगी, रात को जब हम कट करेंगे। केक भी ले लिया है, कैंडल्स भी ले लिए हैं, सब चीज़ें। केक मैं ले चुकी हूँ, बस अब मेरे को घर की तरफ जाना है। सारे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया मुझे, और अब शाम हो गई है। केक भी मैंने ले लिया है, काफ़ी टाइम लगा दिया केक वाले ने भी ना। अब तो मुझे फुल ऑन ट्रैफिक मिल गया है, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ उस वजह से ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, थोड़ा सा काम ज़्यादा के चक्कर में मैं फंस गई, फुल ऑन ट्रैफिक। 2000 years later मैं घर पहुंच गई हूँ, बहुत ट्रैफिक था रोड पे, तब भी टाइम पे मैं घर आ गई। घर में पहुंच गई हूँ और मैंने केक को रख दिया फ्रिज में बिल्कुल, अब रात को देखते हैं लक्ष्य कब तक आता है, जिससे हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। तो आज हमारे घर आई हुई है पीहू, तो हमने उसके लिए मंगाया है पिज्ज़ा, उसके साथ साथ हम लोग भी खा लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 26th
और आपको पता है आज लक्ष्य का बर्थडे, तो हमने हल्की सी डेकोरेशन की है, ज़्यादा नहीं किया, आपको दिखा दूँ। बट अभी वेट है लक्ष्य का, वो अभी तक आया नहीं। हमने रात को भी केक नहीं कट कर पाए थे, उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो अब उसी का वेट है, वो आए तो हम केक कट करें। और मैंने आपको केक भी रिवील नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था जब हम कट करेंगे तो ही मैं आपको दिखाऊंगी। पापा के साथ एक बारी पापा को खिलाना। दे दिया मैं पापा को रोटी। और खिला आओ पहले। अब तो पंखा चला दो। अरे वीडियो ये इसकी तो हरी फ्लावर फ्लावर देती हूँ बना दी। वो अभी करेगी करेगी देखा करेगी। अब ये दे इसको और वो दे। स्टार्ट होगी घड़ी सेम ना घड़ी 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 ना घड़ी इसको आई तो मैंने कहा अभी लिया तुमने कभी अभी अभी लिया सेम घड़ी है सेम मॉडल नहीं अलग है अलग मॉडल अलग है। हाथ में डाल दे उस साथ में दो घड़ी डालता ना अमिताभ बच्चन दूसरे हाथ में ले दीवा कराएगा इसके लिए आज मैंने आपके साथ लक्ष्य का बर्थडे ब्लॉग शेयर कर दिया, वो भी सेम डे, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग चाह रहे थे कि लक्ष्य सर की बर्थडे की वीडियो
आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना और लेट ना हो। तो मैंने हमने जो पांचों ने घर पे सेलिब्रेशन किया था वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है सेम डे, जिसे आप देख सकें। और हमारा नेक्स्ट सेलिब्रेशन शाम को होगा जब हमारी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर्स आएंगी, तब हम सब मिलकर, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। पर आज जो हम लोगों ने घर पर केक कटिंग और सब कुछ किया, केक कटिंग और सब आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को। और मैं चाहती हूँ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब देखें इसे, और मेरे मेम्बर्स धीरे धीरे बढ़ते ही रहें और ऐसा हो रहा है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड विश लक्ष्य हैप्पी बर्थडे टुडे। थैंक यू सो मच।